हेलो फ्रेंड, तो आज हम आपको बताएंगे स्पेस मनी के द्वारा माइंड ट्रांसफर कैसे करता है। सबसे पहले आपको अपना पोर्टल लॉगिन करना है, उसके बाद स्पेस मनी DMT में आना है या फिर आपको BC माइंड ट्रांसफर में आना है। दोनों से आप माइंड ट्रांसफर कर सकते हैं। तो मैं स्पेस मनी DMT से करके आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद स्किप कर देना है। आपको करने के बाद कस्टमर का मोबाइल नंबर इंटर करना है। तो कस्टमर का मोबाइल नंबर डालने के बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद एक OTP जाएगा उसके फ़ोन में और कस्टमर का नाम डालना है। तो OTP यहाँ पे आ चुका है, तो मैं OTP डालने जा रहा हूँ। OTP डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद कस्टमर का मंथली लिमिट आ जाएगा। तो हमको सबसे पहले या फिर आप KYC कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सेंटर का बिजनेस डिटेल जानना पड़ेगा, उसका आधार कार्ड वगैरह डालना पड़ेगा। तो हम नॉन KYC का ट्रांसफ़र कर दिखाते हैं आपको। अगर आप लोग चाहते हैं तो KYC करके माइंड ट्रांसफ़र करें तो कमेंट करेगा, तो इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना के देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे प्लस वन दिख रहा होगा नीचे, तो प्लस वन में इंटर करना है और ऐड न्यू बेनिफिशियरी में क्लिक कर देना है। उसके बाद बैंक नेम, AC नंबर, IFSC कोड, मोबाइल नंबर सब आपको भर लेना है। तो हम भर लेते हैं फटाफट से। तो हमने यहाँ पे डिटेल भर लिया। IFSC कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा, ये मास्टर IFSC कोड। आप चाहे तो मैनुअली IFSC कोड इंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम मैनुअली IFSC कोड इंटर करने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे IFSC कोड डाल दिया। डालने के बाद उसका नीचे ब्रांच आ गया, सिटी आ गया, स्टेट आ गया, एड्रेस भी आ गया। उसके बाद मोबाइल नंबर आप चाहे तो इंटर कर सकते हैं, रिमार्क भी आप दे सकते हैं। ये दोनों ऑप्शनल है, तो हम यहाँ पे कुछ नहीं देंगे। ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक करेंगे तो बता रहा है कि IFSC कोड में थोड़ा गड़बड़ी हुआ है, तो IFSC का हम चेक करके इंटर कर देते। तो फ्रेंड, कस्टमर का IFSC कोड लेके नहीं आया था, तो इसलिए जो उसका मास्टर IFSC कोड है वो हम डाल के ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ब्रांच नेम, सिटी, स्टेट, ऑल एड्रेस आ गया। ऐड बेनिफिशियरी में क्लिक कर देना है। उसके बाद एक OTP कस्टमर का खाते में आ जाएगा मोबाइल नंबर पे। तो OTP का हम इंतज़ार कर लेते कुछ देर। तो OTP डालने के बाद आपको प्रोसीड कर देना है और सक्सेसफुल जो है बेनिफिशियरी ऐड हो गया है। आप हो गया। अब ये जो अकाउंट नंबर है ये किसके नाम से है जानना चाहते हैं, ये अकाउंट किसके नाम से है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है परम हंस के ऊपर। उसका वेरीफाई अकाउंट में क्लिक करना है। इसमें जो है आपका 4 रुपये चार्ज करेगा, 1 रुपया जो है बेनिफिशियरी के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो वेरीफाई अकाउंट में क्लिक कर देना है। उसके बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि परम हंस चौहान के नाम से है ये खाता। तो क्लोज़ कर देने के बाद अब देखिए परम हंस आ गया पूरा नाम। उसके बाद आपको जितना ट्रांजैक्शन करना है उतना इंटर कर देना। तो हम एग्ज़ाम के लिए 500 सेंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गया, फिनो बैंक का और पॉसिट वर्क की KYC का। तो हम फिनो बैंक से करेंगे। तो पॉसिट विथ फिनो बैंक का जो स्पीड है बहुत ही अच्छा खासा है, कभी ट्रांजेक्शन फंसता नहीं है। तो हमको कंफर्म कर देना है। इसका जो है 10 रुपये चार्ज है, एजेंट को मिलेगा 6 रुपये कमीशन और 4 रुपये चार्ज पड़ेगा। तो कंफर्म कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए पैटर्न देना है, तो मेरा फिंगर भी लगा है, तो फिंगर दे रहा हूँ। उसके बाद ट्रांसफ़र मनी हो रहा है। इसके बाद एक रिसिप्ट जनरेट होगा, ये रिसिप्ट जो है अब प्रिंट आउट करके कस्टमर को दे सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर मुझे आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा चैनल बहुत ही कम सब्सक्राइब है, थोड़ा सपोर्ट भी कर दीजिए।